मॉर्निंग कैसे हो आप लोग? और दुकान पे भी लाइट चली गई है अभी, और मैं सुबह सुबह दुकान पे कैसे आज कुछ मैं उठी हूँ, तैयार हुई हूँ जल्दी जल्दी और दुकान पे जा रही हूँ। दुकान पे नहीं जा रही हूँ यार, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मेरा ना हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, रात बहुत बुरी तरीके से रोए भी हूँ, मतलब मेरे को बहुत ही ज़्यादा वाला दर्द हो रहा है। तो मैं अभी जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ पे, अब सहन ही नहीं हो पा रहा है। अब मतलब एक अच्छे डॉक्टर किसी ने बताए हैं यहीं पे पास में ही, और होम्योपैथी वाले डॉक्टर ने भी बताया कि आप उनके पास जाओ, मैं नहीं दूंगी मेडिसिन क्योंकि मैं दवाइयाँ सब तरीके से खा चुकी हूँ। तो बस अब निकली हूँ और डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी, उसके बाद में आप लोगों को बताऊँगी क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है। अब मैं आपको मतलब समझा दिखा भी नहीं सकती किस तरीके से। एक ये जो हाथ है ना, ये देख रहे हैं हड्डियाँ मेरी, ये इधर वाला पोर्शन ज़्यादा है, थोड़ी सूजन भी आ चुकी है। इस हाथ में मैं कुछ नहीं पहन पाती हूँ, मैं कलावा तक भी मुश्किल से बांध पाती हूँ उसमें। इसमें हल्का सा कुछ होता है तो बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है, इसलिए अब जाना पड़ेगा। गौरी अभी सोई हुई है, तनु उसको संभाल लेगी, देखते हैं अभी क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं अभी बाद में। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ डॉक्टर के यहाँ पर। डॉक्टर ने जाते पहले चेकअप किया, मतलब देखा पूछा कि किस वजह से हो रहा है, और बताया भी कि डिलीवरी के बाद में ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि आपको पहले इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे और एक्सरे करवाना पड़ेगा। तो ये पीछे बैठे हुए थे, पीछे बैठ करके ये वीडियो बना रहे थे, हाथ का ये एक्सरे कराना था। तो लाइटिंग उधर पूरी पड़ रही थी क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से वीडियो थोड़ी धुंधली थी। हाथ को चारों तरफ से उन्होंने एक्सरे किया था पलट करके, ये जो भैया हैं ये पीछे की तरफ घुमा करके लेके जा रहे थे फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो वही मैं सामने कंप्यूटर रखा हुआ था उसमें देख रही थी। मतलब बैठे बिठाए इतनी मुसीबत आ जाती है ना, समझ नहीं आता है। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यहाँ पर गौरी को संभालने में हो रही थी, और बच्चे के लिए इतना कुछ मतलब मेरा दिमाग कल रात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था क्योंकि मैं उसको संभाल नहीं पा रही थी। हाथ में दर्द था, कई बार उठना पड़ता है, कई बार फीड कराने के लिए गोदी में उठाना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा दर्द था। इस वजह से मैं सुबह ही निकल गई कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो और फिर इसके बाद में थेरेपी के लिए भेज दिया था उन्होंने, उन्हीं का पीछे सेंटर बना हुआ है थेरेपी सेंटर। मतलब जो डॉक्टर थे ये पूरे हड्डी वाले डॉक्टर थे, तो सब कुछ इन्होंने बनाया हुआ है अंदर ही अंदर। मतलब जैसे एक्सरे होना है, थेरेपी होना है, तो यहाँ पर हाथ की थेरेपी के लिए मुझे भेजा गया था यहाँ पे। और लोगों की भी थेरेपी हो रही थी, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने तो सिर्फ इतना ही फोकस किया था कैमरे को जहाँ पर मैं बैठी थी, बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, छोटा बच्चा भी था एक जिसके हाथ में भी प्रॉब्लम थी। अच्छा नहीं लगता यार जब बच्चों को ऐसे देखते हैं। वहाँ पे जो पर्पल शर्ट में खड़े हुए उनके वहीं पे बच्चा बैठा हुआ था छोटा सा, उसको शायद फ्रैक्चर हुआ था, तो उसकी थेरेपी के लिए वो लोग आए थे। और यहाँ पर ये भैया मुझसे पूछ रहे थे कि कितना दर्द है, कितना मैं वाइब्रेट करूँ, मतलब हाथ में जो लगाया था ये वाइब्रेशन के लिए लगाया था, और साथ में ये गरम टॉवल भी एक इन्होंने रखा था, फिर हीटिंग पैड रखा था। अब मुझे सिकाई के लिए बोला भी है इन्होंने कि आपको नमक के पानी से सिकाई करनी है घर में। मैंने पूछा कि नमक के पानी से ना करके हीटिंग पैड से कर लूँ, बोल रहे थे डॉक्टर कि नहीं नमक के पानी से ज़्यादा बेटर रहता है। तो काफ़ी देर लग गई थी हमें, सुबह से दोपहर हो गई थी यहीं पर। और फिर हम मैंने बोला कि पपीता ले लेते हैं, मार्केट भी वहीं पर थी। पपीता वाला यहाँ पे 80 रुपये किलो पपीता दे रहा था, तोल दिया, बोल रहे कि 115 रुपये का हो गया, कुछ सवा किलो ऐसे ही बैठा था, अपने आप ही रेट बता दिया। लेकिन बहुत महंगा था, हमने आगे से लिया, आगे 50 का भी रेट था, 40 का भी रेट था, सेम यही पपीता था इसी तरीके से। एक्चुअली ये दुकान अकेली लगी हुई थी ना, इस वजह से महंगा दे रहा था। आगे जो थी वो 4-5 दुकानें एक साथ थी, ये पूरी मार्केट है फ्रूट्स की, जगह जगह लगा देते हैं। इसके बाद में हम लोग पपीता लेकर के यहाँ से निकल गए थे। और ये देखिए हमारी आर्य समाज रोड मार्केट है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे जाकर ना मन ललचा जाता है सच में कि ये ले लो वो ले लो। देख सकते हो आप कैस किस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है, अच्छा लगता है इस तरीके से जाना कभी कभी देखना। और लेकिन शॉपिंग करने के लिए जाओ तो अलग ही मज़ा होता है। अभी तो यहाँ पे बस ये टेंशन थी कि गौरी रो तो नहीं रही होगी, तनु वैसे संभाल लेती है, लेकिन फिर भी गौरी को कई बार उठने के बाद में उसको चाहिए होता है कि मम्मा सामने चाहिए। लेकिन आज वो रोई नहीं थी, तनु ने जैसे बताया उसने, तनु ने मैं जब तक घर पहुँची थी वो चेंज भी कर चुकी थी उसके कपड़े वगैरह सब कुछ, क्योंकि जब मैं आई थी तो मैं उसको फीड करा के सुला करके ही आई थी, सोते हुए छोड़ करके आई
लगाई थी ताकि वो उठे, जल्दी से ना उठे और इतने में मैं आ जाऊँ। तो चलिए अभी यहाँ से तो निकल चुकी हूँ। इसके बाद में मैं पहुँच गई दुकान पे। घर पे थोड़ा सा आराम किया, गौरी को फीड वगैरह कराया। आज दुकान पे कुछ काम करा रहे थे तो ये देखो कितना गंदा यहाँ पर था, काउंटर निकाला इन्होंने, वही सफाई कर रहे थे। मैं बोल रही थी कि मैं कर देती हूँ तो इन्होंने बोला कि नहीं, हाथ में दर्द है, हटो, मैं खुद करूँगा, बस तुम यहाँ पर खड़े रहो, जो जो मैं बोलता जाऊँ, छोटा मोटा सामान वो पकड़ाते जाना है आपने। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इस मामले में बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ को समझते हैं कि मुझे पेन है, कुछ भी है, नहीं करने देना है, लगाते नहीं है काम में जल्दी से। तो इन्होंने ये डब्बा दिया था बटन वगैरह का, एक पेटी बनाई है, ये दीदी के यहाँ पे जाएंगे वापस। दीदी नहीं मुझे दिए थे, लेकिन ये वाला टेलरिंग मटेरियल वाला सामान हमने नहीं रखा हुआ है। कुछ अकेले हो गए हैं दुकान पर, पहले मैं थी तो साथ में कुछ ना कुछ लाती रहती थी दुकान पर जो ज़रूरत होता था। अब देखिए दुकान कितनी मैशी हो चुकी है, क्योंकि अकेले कस्टमर को मैनेज करें या फिर दुकान को संभालें, सामान को संभालें, समझ नहीं आता है। तो इस डब्बे को मैं खोल करके इसमें रख रही थी ये सारा सामान। अकेले ही पूरी कोशिश करते हैं अच्छे से मैनेज करने की, लेकिन दुकान पर अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है, और कोई भी दुकान पे हेल्पर नहीं मिल रहा है, और हेल्पर जो भी मिलते हैं ना वो लेट नाइट तक काम करने में उनको दिक्कत होती है, कोई भी हो, क्योंकि दुकान का काम जो है वो लेट तक ही चलता है। और अभी शाम का ही टाइम था तो मैं आ गई थी दुकान पे, इसलिए भी आई थी, थोड़ी इनकी हेल्प हो जाएगी और जो कस्टमर आएंगे वो मैं अटेंड कर सकूं। तो ये अपने काम में लगे हुए थे यहाँ पर, और इसके बाद में कस्टमर आ गई थी, एक काउंटर बोला खाली कर दिया पूरा उन्होंने, अब उसे बाहर निकलवाना था तो वो देख रहे थे। इन्होंने एक्चुअली ना कपड़े ऊपर से कपड़े चेंज कर लिए थे, पूरे पैंट शर्ट डाली हुई थी तो ये काम करना था, तो इन्होंने कपड़े चेंज कर लिए और गरम बनियानी डाला हुआ है। ये जो मैं पैक कर रही हूँ ये डॉलर मिस्सी की पैंट है, बहुत कम्फर्टेबल होती है, होजरी की पैंट है ये। अभी कस्टमर मैंने अटेंड किए थे, एक्चुअली 3-4 लेगिंग उनको दी थी तो पैंट भी दिखाई थी, उनको कपड़े वाली पैंट चाहिए थी, हमारे पास कपड़े वाली पैंट नहीं है, होजरी की है। सच्ची में बहुत कंफर्टेबल रहती है, किसी दिन मैं इसकी वीडियो आपको बना के दिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। आप ट्राउज़र के साथ, वो सॉरी कुर्ती टॉप टी शर्ट के साथ में डाल सकते हो। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहता है, जैसे आपको लेगिंग में आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी तरीके से इस पैंट में नहीं पड़ती है। और ये लेगिंग खुली हुई थी, ये भी मैं पैक कर रही हूँ। वो जो दोनों भैया खड़े हुए हैं बाहर, वो भाई लोग लगाएंगे उस मतलब बाहर मेन गेट लगने वाला है जो ग्लास वाला होता है, उसकी वजह से, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी दुकान में, बहुत ज़्यादा डस्ट हो चुकी थी, अकेले नहीं मैनेज हो पा रहा था। तो इसी वजह से हम लोगों ने दोनों ने डिसीजन लिया, इवन हालत अच्छी नहीं थी इस टाइम, काम थोड़ा डाउन है, बार बार नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी अब आप लोग फैमिली मेम्बर हैं इसलिए वजह से बता रही हूँ। फिर हम लोगों ने डिसीजन ये लिया कि हम दरवाज़ा लगाएंगे ताकि डस्ट ज़्यादा अंदर ना जा पाए और अकेले ये थोड़ा मैनेज कर पाए अच्छे से काम को, क्योंकि अगर दरवाज़ा लग जाएगा तो गंदा नहीं होगा। जो बाहर का दुपट्टे वगैरह हैं ये सब अंदर लगा लेंगे, ये अपने काम में बिजी हो गए थे, मैं अपने काम में। और पहले हम इसी तरीके से करते थे, इवन पहले कि आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, मैं पूरा टाइम दुकान पे ही रहती थी, मार्केट वगैरह जाना है, सब कुछ करना है। और यार मैं जैसी हूँ मैं फिर से बता रही हूँ, फिर से मेरे को वही कमेंट आ रहा है कि आप और यूट्यूबर्स की तरह स्मार्ट बनिए, तो मैं और यूट्यूबर्स की मैं नकल नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी यूट्यूबर की ना ही नकल करती हूँ, मैं जैसी हूँ सिंपल हूँ, मैं वैसी ही आती हूँ, मैं मेरी सबसे पहले मेरी फैमिली है। मैं दूसरे के लिए नहीं बोल रही हूँ, सबको अपनी फैमिली प्यारी होती है, लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ इसी तरीके से, क्योंकि अब तो मेरे को और ज़्यादा रहना पड़ता है गौरी की वजह से, अब बच्ची है घर पर, खुश रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, बस मैं यही जानती हूँ। और यहाँ पे भैया ये कुछ बोल रहे थे कि वीडियो बन रही है, मैंने भैया को बोला था कि भैया ये वीडियो मैं अपनी बनाती हूँ यूट्यूब के लिए। और यहाँ पर ये काउंटर हम लोगों को खिसकाना था तो बहुत भारी थे ये, मैं बोल रही थी कि मैं हेल्प करा देती हूँ, बोले कि नहीं आप नहीं, हाथ में और दर्द हो जाएगा, तो मैंने छोड़ दिया। ये सामान कुछ हटाना था, वही बोल रहे थे कि आप यहाँ से सामान थोड़ा हटाओ, उसके बाद में करते हैं, मैं खुद करूँगा। तो ये पानी की बोतल हटान गिर गई थी एक्चुअली, इस पानी की बोतल में छेद किए हुए हैं ढक्कन में हाथ वगैरह धोने के लिए। तो ये भैया यहाँ पर इसको खिसका मतलब यहाँ से पीछे की तरफ दोनों कर लेंगे, एक धक्का दे रहा है, एक तरफ से खींच रहे हैं, यही है। तो वही मैं बता रही थी कि सिंपल, हाँ
सिंपल रहो, अच्छे से रहो। सबसे बड़ी बात होती है कि सबकी रेस्पेक्ट करो और बस खुश रहो। मेरा तो यही मानना है, यही मेरे हस्बैंड का मानना है। और हम लोग देखा ही है आपने, कैसे भी रहें बस खुश रहने की कोशिश करते हैं। इसलिए कोई दिखावा नहीं, दिखावा करके भी क्या करना है। और सबसे बड़ी बात है, लोगों ब्रांडेड तो कितने भी पहन लो, जाना तो कहते हैं ना। वैसे एक चीज़ अच्छी बनाई हुई है कि कफन का कलर, और उसके लिए कोई ब्रांड नहीं होता है, जो भी होता है। मतलब क्या बात है, मैं कहाँ लेके जा रही हूँ। बस सिंपल सोवर रहो, बस मैं यही मानती हूँ इसी तरीके से। और शुरू से मैं ऐसी रहती आई हूँ, अभी नहीं। और कुर्ता ये, हाँ सच में बहुत लूज़ है ये, मैं मानती हूँ। क्योंकि ये कुर्ता मेरे को गौरी के साथ में कंफर्टेबल रहते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो चलिए आगे मिलते हैं। कैसे हो आप लोग? और दोबारा पूछ रही हूँ, मैंने सुबह भी पूछा था, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे हाथ का दर्द आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो आज मैं डॉक्टर के यहाँ पे भी गई थी। ये है मेरे डॉक्टर का, दिखा रही हूँ, जो देख रहे हैं बाहर से बदबार। तो एक्सरे हुआ है, मेडिसिन से हैं। विटामिन सी की टैबलेट्स दी हैं, और साथ में ये D3 के कैप्सूल्स दिए हैं। ये उतना इंची टेप पकड़ो, ऐसा इंची टेप मेरे पास भी है, ठीक है। नहीं, मेरा में ये इंगो है ना, बोर्ड वाला दिया था एक ही। नहीं, मैं कह रहा हूं ये दवाइयां मुझे दी हैं, मैं बाहर भी देख रही थी साथ में। और दो इंजेक्शन लगाए थे, इंजेक्शन से मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। दो इंजेक्शन जो लगे बहुत हैवी थे। और आज पता है गौरी को छोड़ के जाना पड़ा, वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लग रहा था। कभी मैं जाती नहीं हूँ, बहुत कम दुकान पे भी आती हूँ तो फ़ोन करती रहती हूँ कि ठीक है कि नहीं है। सुबह गए थे, दोपहर को आए हैं, और अभी भी इनको काम था, इस वजह से मैं आगे गेट लग रहा है दुकान पे, तो मैं इनको इनके साथ काम कराना था। इस वजह से मैं जैसे बैठी हुई थी, इनका फ़ोन आया कि अभी आ जाओ, तो मैं वैसे ही आ गई। तबीयत ना आज थोड़ी सी ज़्यादा ही मुझे डाउन लग रही है। और पता है आज गौरी ने क्या करा, छत पर लेके गई मुझे, दो मिनट धूप में मेरे सर में पैरों में दोनों में दर्द हो रहा था। मैंने कहा मैं बैठ जाती हूँ, तो उसने, मैं खड़ी हो गई छत पे, उसने क्या किया, मेरे सर से टोपा उतारा और बराबर वाली छत पे फेंक दिया उतार करके। बहुत ज़्यादा शैतान थी, मतलब शैतानियाँ बच्ची है तो बढ़ती जा रही है। हर सामान चाहिए, जो भी सामान होता है बस चाहिए। एक्चुअली मेरे कैप पे पिंक वाला कैप जो लगा के रखती थी, गोल्डन कलर का उस पर रहता है ना, वो उसको चाहिए। तो ये था आज का। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ, फिर मैं घर जाके अब देखती हूँ मिलूँगी कि नहीं। यहाँ पर दवाइयाँ ले ली थी इन्होंने, और मुझे लिख करके दे रहे थे कि टाइम से लेनी है, कैसे कैसे लेनी है। बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं इनके बारे में, आप लोग जानते ही हो इनको अच्छे से। तो चलिए बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू।